राज्य सरकार जो अब 4 महीना चुनाव के रह गए, जब उद्घाटन करने के लिए आए प्रधानमंत्री और योगी जी, जितने गांव के हैं सब जानते होंगे, वहाँ पोखर है, वहाँ वाल्मीकि बस्ती है, वहाँ सुअर लेटरिन करते हैं, कुत्ते पेशाब करते हैं, उस मूर्ति इतने बड़े क्रांतिकारी की मूर्ति पर जो है इस तरीके से कैसे 500 वर्ग गज का एक प्लॉट रख लेते, उसमें उनकी स्थापना करा के बढ़िया तरीके से पुस्तकालय वाचनालय गार्डन रखते, तो ये क्षेत्र के लोग राजा महेंद्र प्रताप को याद भी करते और सारी वहाँ पे जाके बैठते। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वायदे किए वो एक भी पूरा नहीं हुआ। इनको याद उस समय आई जब चुनाव का दबाव इनके ऊपर आया, हिंदुत्व का जो उन पर लगाया गया वो जात न जाति मानते थे न धर्म मानते थे, इसीलिए उन्होंने जब ये लिखा था अपनी अंतिम इच्छा में लिखा था कि मेरी समाधि मुझे दफनाया जाए जलाया न जाए और मेरी समाधि पर पीटर पीर प्रताप लिखा जाए, जैसे क्रिश्चियन का भी हो मुसलमान का भी हो और हिंदू का भी हो। या तो ये सब लॉलीपॉप है, सब एजेंडा है, चुनाव का चुनाव आ रहा है फरवरी मार्च में, तो इसी मैटर में ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जाट हमारी तरफ खींचें, हमारी तरफ सोचें, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी का यहाँ पत्ता स्वाप है, मैं तो 4.5 साल हो गई, केंद्र में 10 साल हो गई, जब से इन्हें कुछ मैं तो यादगार नहीं आई राजा साहब की, हाथ मुड़सान में उनकी मूर्ति के पास इतना कचरा डाल रहा होता है, अभी अब वहाँ पे कोई कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ की कोई याद नहीं है, अलीगढ़ में कौन देख रहा है, यहाँ देखो वहाँ कितना कचरा डाला हुआ है, मूर्ति दबी हुई है राजा साहब की, यहाँ कोई याद नहीं है। ये कदम देखे इनको तो अंतिम झड़पे याद आई ना भाई, पहले से करते, अब ये शिलान्यास की जगह इसका उद्घाटन करने आते तो अच्छा लगता। अब ये तो अब 4 महीने पीछे चुनाव है, इनकी सरकार रही न रही, बनी न बनी, क्या गारंटी है? सब कहानी जाटन के ऊपर है, जो जाटन नो आराम से पटा ले और बोटल ले सीधा तान के हेजा उठाड़े, फिर जूता दे और कैया बिजरा और सुगर सब ऐसे सी मारे दे रहे, अब बोट में लेंगे जनो कबूना बोर तेल हुआ 200 रुपया किलो, अब पैकेट में होते रहे बाजरा, बाकी को तमे बाजरा है बा खाए रहे, मोदी जी जा खावे चुना कराए रहे, हम अलीगढ़ बनवाए रहे, भैया यहाँ मुरसान चुना बनवाए रहे, एक गौशाला बनवा देते, अब जो सब लोग बेचारे तले परेशान बालक पड़े, हम बड़े बूढ़े यहाँ पर सुअर नहीं मानना जा सब रोमला प्रशासन घबराए गो बारी कहूँ मोदी जी ऐसा कर रहे बारे की यहाँ पे आए के कहूँ कोई अधिकारी कछु गाज गिर जाए तो वो पोत दही चाहते ना पहले, पर जो तो सच्चाई स्वीकार करोगे ना जी मूर्ति में दिखा रहा हूँ ऐसे ही अति दिखाओ यहाँ दिखाओ यहाँ ले साहब देखो, तो जी जहाँ चीजें चौड़ा स्वीकार कर रहे कि बीजेपी वाहन पे खाली वही जुमलेबाजी का काम है, आप दिला में मैं नीचे तो कचरा ही भरो मैं प्लास्टिक की पन्नी सुअर सुअर अब डोल रहे वाल्मीकि बस्ती है, मैं पप्पू पीछे पोखरिया है, मतलब जी माँ पे इतनो सब कछु चलो मानते हैं तुम्हारी बात बड़ी करते हैं माँ वो कर दो है बाघ नेका मुड़साले में वो तो कर सकता है, उनका अमेरिका की कंपनी को फोटो डाल दो योगी जी खड़े है तो फोटो तो हमारे लोग डाल रहे हैं बाहर के, देखो साहब एयरपोर्ट नकलो को वो बस उड़ रही है और वो माँ पे चल रही है, तो मतलब है और पूरी तरह से है, इनको मालूम पड़ जाएगी जैसे सिगुपा बाजी थे कछु है जुमलेबाजी थे, सीधी बात है जाट की सीधी बात है कि नहीं थे, वो आरएसएस के सख्त खिलाफ थे, उनकी विचारधारा सर्वधर्म की विचारधारा थी, जो ये प्रचारित करना चाह रहे हैं वो जाति की विचारधारा नहीं थी न किसी धर्म की विचारधारा थी। रही बात यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने इस देश की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई, जो आज भी वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय के नाम से यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को फेक यूनिवर्सिटी का नाम से दर्ज किया गया UGC ने। सरकार यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है तो सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी को तो बचाए जो राजा महेंद्र प्रताप ने जीवित रहते हुए बनाई, वोट के लालच में नई यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रही है, मैं तो तब खुश होता, शिलान्यास ही तो किया है, बनेगी न बनेगी इसकी गारंटी नहीं है।